आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी ठीक है हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी नहीं है आइडेंटिटी होता है जिसका एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1 sin²a ठीक है वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू स्क्वायर ए ठीक है और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये हमारा वन के इक्वल होता है ठीक है और वन माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है ठीक है तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस स्क्वायर ए पुट कर देता हूँ ठीक है इंटू सेक इस ए तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा वन यही हमारा आर एच एस है ठीक है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये आइडेंटिटी है इसका आर एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है ठीक है और अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे तो सेकेंड ऑप्शन हमारा ये है ठीक है तो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं तो ये है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ओके इंटू वन माइनस कॉ स्क्वायर थीटा ठीक है और अगर इसको मुझे सिंपलीफाई करना है ओके तो जैसा कि हम जानते हैं तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आइडेंटिटी होती है सेक्स स्क्वायर थीटा थीटा होता है हमारा थीटा तो यहाँ से मैं सकता हूं? हो जाएगा, हमारा के theta, और जो कॉशेक स्क्वायर थीटा है वो होता है हमारा वन प्लस थीटा ठीक है तो वहां से मैं कह सकता हूँ वन माइनस कॉशेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा ठीक है और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस वन विच इज नॉट इक्वल्स टू वन ठीक है तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है और यही हमें बताना था ओके और थर्ड ऑप्शन हमारा ये है ठीक है तो थर्ड ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड ऑप्शन का ये रहा तो यहाँ पर हमारा एल है साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ठीक है तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा ठीक है और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ठीक है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओके अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस कॉस्थीटा ओके विच इज इक्वल्स टू तो अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो कॉमन क्या आएगा वन प्लस कॉस थीटा और बच क्या जाएगा यहाँ पर बच जाएगा हमारा वन माइनस कॉस थीटा ठीक है प्लस वन प्लस कॉस कॉस्थीटा ओके अपॉन साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस कॉस्थीटा ठीक है यहाँ पर सेम हमने वन माइनस कॉस थीटा कैसे कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर है हमारा वन वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक है तो ए प्लस बी वाला पार्ट मैंने यहाँ ले लिया ए माइनस बी का पार्ट मैंने यहाँ रख दिया ठीक है तो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ वन प्लस कॉस्ट थीटा को और यहाँ से cos थीटा को तो ये किस क्या बच गया टू अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू आर एच एस ठीक है तो हमारा ये भी राइट आंसर नहीं है क्योंकि इसका भी आर एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है और जो लास्ट पार्ट है ऑप्शन फोर वो क्या है वो है हमारा साइन पावर फोर थीटा माइनस कॉस पावर फोर थीटा ओके तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ठीक है और जैसा कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी तो साइन स्क्वायर स्क्टा प्लस स्क्वायर इंटू साइनस ठीक है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है हमारा वन के इक्वल ठीक है तो वन इंटू ये हो जाएगा ये वैल्यू तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ